सुप्रभात बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की हिंदी क्लास में। हिंदी में हम करेंगे ऊ की मात्रा के शब्दों से श्रुतलेख। बच्चों ये देखिए, ये है स्वर ऊ और ये है स्वर ऊ की मात्रा। आप देख सकते हैं कि स्वर ऊ की मात्रा बनाते वक्त हमने पहले एक हुक बनाना है और फिर उसकी पूंछ जो है राइट साइड निकाल देनी है। बच्चों ध्यान रहे कि ऊ की मात्रा सदैव अक्षर के नीचे की तरफ लगाई जाती है और जो स्टैंडिंग लाइन होती है, जो अक्षर की पाई होती है, उससे मिला कर लगाई जाती है, उससे जोड़ कर हम लगाएंगे, ठीक है। और इसकी ध्वनि क्या है? ऊ। इसे थोड़ा लंबा बोलना है, खींच कर ऊ, ठीक है। और अब हम करते हैं इसके शब्दों से श्रुतलेख। तो सबसे पहले आप अपनी नोटबुक में हेडिंग राइट करेंगे, श्रुतलेख, ओके। और अब हम श्रुतलेख शुरू करते हैं किस अक्षर से? ट। और ट पर ऊ की मात्रा लगाने से बनता है टू। अब ध्यान से देखिए, ट पर हमने ऊ की मात्रा किस तरह से लगाई है। आप देख सकते हैं मैंने मात्रा को ट अक्षर से टच किया है, ठीक। इसी तरह से आपने भी मात्राओं को अक्षरों से टच करना है, ठीक है बच्चों। अब टू से हम दो शब्द लिखेंगे। पहला शब्द है ट ऊ ट, टूट। टूट जाना यानी कि ब्रेक हो जाना, ओके। तो लिखिए ट ऊ ट, टूट। और टूट के बाद हमें लिखना है ट ऊ ट ना, टूटना। तो हमने कौन से दो शब्द लिखे टू से? टूट और टूटना, ठीक है बच्चों। और अब हम आते हैं अगले वर्ण पर। अगला वर्ण है ठ। बच्चों ठ पर ऊ की मात्रा लगाने पर बनता है ठू। और अब हम ठू से दो शब्द लिखेंगे। तो पहला शब्द है ठ ऊ स, ठूस। ठूसना, ठूस मीन्स जबरदस्ती धकेलना, ओके। ठ ऊ स, ठूस। और दूसरा शब्द लिखेंगे ठ ऊ स ना, ठूसना। टूट टूटना, ठूस ठूसना। और ट और ठ से अब हम ट और ठ के साथ ऊ की मात्रा का प्रयोग करते हुए हम दो शब्द लिख चुके हैं। अब हम चलते हैं अगले वर्ण पर। ठ के बाद जो अगला वर्ण आएगा वो है ड। ड पर ऊ की मात्रा लगाएंगे। देखिए किस तरह से मैंने मात्रा लगाई है, ठीक इसी तरह से आप भी मात्रा लगाएंगे। और अब हम लिखेंगे डू से दो शब्द। ड से ऊ की मात्रा जोड़ने पर बनता है डू। अब डू से जो शब्द लिखेंगे वो है ड ऊ ब, डूब। डूबना यानी कि छिप जाना, ढल जाना या फिर पानी में डूब जाना। जो चीज़ें पानी से हल्की होती हैं वो पानी की सतह पर ऊपर तैरती हैं, लेकिन जो पानी से भारी होती हैं वो पानी में डूब जाती हैं। तो अब लिखिए ड ऊ ब, डूब। डूब के बाद अगला शब्द लिखेंगे ड ऊ ब ना, डूबना। जैसे शाम होते ही सूरज डूब जाता है, ढल जाता है, सूरज छिप जाता है, आँखों से ओझल हो जाता है, इसी तरह जिन बच्चों को तैरना नहीं आता और अगर वो गहरे पानी में चले जाएं तो वो पानी में डूब सकते हैं, इसलिए हमें गहरे पानी से दूर रहना है। ड के बाद जो अगला वर्ण है वो है त। बेटा ट ठ और ड ये तीनों ही अक्षर छोटी पाई के अक्षर हैं, ठीक है। और अब जो है त थ
द, ध और न जो वर्ण हम करेंगे वो पूरी पाई के अक्षर हैं। तो जिन अक्षरों में पूरी पाई है यानी कि जो स्टैंडिंग लाइन है वो कंप्लीट है, वहाँ पर हम स्टैंडिंग लाइन से टच करके ऊ की मात्रा लगाएंगे। ठीक है, अक्षर की पाई से जोड़कर मात्रा लगानी है। तो अक्षर क्या है? त, और त पर त के नीचे हम ऊ की मात्रा लगाएंगे। त पर ऊ जोड़ने से बनता है तू, और अब हम तू से शब्द लिखेंगे। शब्द है तू फा न, तूफान, तू फा न, तूफान। समुद्र में अक्सर तूफान आते रहते हैं, और जब तूफान आता है तो पानी की जो लहरें हैं उनका बहाव बहुत तेज हो जाता है, तूफान बहुत तबाही मचाता है। अब जो है अगले वर्ण से हम शब्द लिखेंगे। अगला वर्ण है थ, और थ पर ऊ की मात्रा लगाने से बनता है थू। आप देख सकते हैं थ अक्षर भी पूरी पाई का अक्षर है और हमने पाई से टच करके मात्रा लगाई है। ठीक इसी तरह से आपने भी करना है। थ उ थू, अब थू से शब्द लिखेंगे। थ उ क थूक, हमें इधर उधर नहीं थूकना चाहिए, हमें दीवारों पर नहीं थूकना चाहिए। और थूक के बाद अगला शब्द लिखेंगे थ उ क ना, थूकना, थूक थूकना। और थ के बाद अगला वर्ण कौन सा है आइए देखते हैं। थ के बाद आता है द, और द आप देख सकते हैं कि द भी जो है छोटी पाई का अक्षर है, लेकिन द अक्षर में नीचे की तरफ उसकी पूंछ निकली हुई है, और उसी पूंछ से हमें ऊ की मात्रा को टच करके लगाना है। ठीक है, द ऊ दू, द पर ऊ की मात्रा जोड़ने से बनता है दू। अब दू से हम शब्द लिखेंगे द ऊ र, दूर, सूरज, आसमान, चांद, तारे, ये सब हमसे बहुत दूर हैं। तो लिखिए द ऊ र दूर। दूर के बाद अगला शब्द लिखेंगे द ऊ ध दूध, हमें हर रोज एक ग्लास दूध ज़रूर पीना चाहिए, इससे हमारी जो हड्डियां हैं वो मजबूत बनती हैं। तो हमने दू से कौन से दो शब्द लिखे? दूर और दूध। अब चलते हैं अगले वर्ण पर। अगला वर्ण है ध, और ध जो है वो पूरी पाई का अक्षर है, इसका मतलब हमें ध से ऊ की मात्रा जब हम जोड़ेंगे तो कहाँ पर जोड़ेंगे? अक्षर की पाई पर, यानी कि उसकी स्टैंडिंग लाइन के साथ। ठीक है, तो देखिए ध अक्षर से किस तरह से ऊ की मात्रा में हमने जोड़ी है, इसी तरह से आपने भी जोड़नी है। अब हम लिखेंगे धू से शब्द। ध ऊ प धूप, सूरज से हमें क्या मिलती है? धूप। ध ऊ प धूप, और धूप के बाद अगला शब्द लिखेंगे। धू से ही शुरू होने वाला शब्द है ये भी। ध ऊ म धूम, हमने दिवाली जो है बहुत धूमधाम से मनाई, यानी कि जोर शोर से। ठीक है, पटाखे जलाकर, दिए जलाकर, चारों तरफ रोशनी करके, और अब फिर से दिवाली आने वाली है, तो हो सकता है इस बार आप अपनी दिवाली ज़्यादा धूमधाम से ना मना सको, क्योंकि कोरोना टाइम में चल रहा है, हम एक दूसरे के घर नहीं जा सकते हैं। यस बच्चों, लेकिन हम अपने परिवार के साथ हंसी खुशी
ये त्योहार मनाएंगे, ओके। और अब जो है अगला शब्द है, अगला अक्षर है न, और न परु की मात्रा लगाने पर बनता है नू। आप देख सकते हैं कि अक्षर न भी एक पूरी पाई का अक्षर है और पाई से टच करके ही हमें ऊ की मात्रा लगानी है। अब नू से शुरू होने वाले शब्द हैं, लिखिए न ऊ र, नूर। नूर यानी कि ग्लो। अब जो दुल्हन होती है, जिस लड़की की शादी होती है, उसके चेहरे पे बहुत नूर होता है, यानी कि ग्लो होती है। यस, तो लिखेंगे नूर, न ऊ र, नूर। और नूर के बाद अगला शब्द लिखेंगे जो कि नू से ही शुरू होता है, लिखिए न ऊ त न, नूतन। नूतन मीन्स नया, ओके। नया का ऑपोजिट पुराना और नूतन का ऑपोजिट पुरातन, ओके। यस, नू र, नूर, नू त न, नूतन। तो ये थे आपके शब्द जिनसे आपने श्रुतलेख करनी थी, जिनको आपने सुनकर अपनी नोटबुक में लिखना था, ओके। अब आपने क्या करना है, आपने इन सभी शब्दों को ध्यान से सुनना है और अपनी नोटबुक में राइट करना है, और आपकी हैंडराइटिंग जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, ओके किड्स। थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।